तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग पूछ रहे हैं, सारे लोग का वीडियो हम देख रहे हैं, मालती अपने ससुराल नहीं गई तो गई कहाँ। तो हम आप लोग से दोस्तों बता देना चाहते हैं कि अभी हम अपने ससुराल नहीं गए हैं, अभी हम थे अपने बहन के घर। हम अपने मायके से भी चले आए क्योंकि वहाँ मीडिया भाई लोग जाकर मुझे इतना परेशान कर दिए थे कि मुझे वहाँ से भी आना पड़ गया। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरा जिंदगी तो ऐसे भी झंड हो गया है, अब तो मेरे पीछे आप लोग ना पड़िए। दोस्तों प्लीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझसे इंटरव्यू ना लीजिए, क्योंकि हम टूट चुके हैं पूरी तरह से। दोस्तों मेरा इंटरव्यू आप लोग मत ही लीजिए तो ही मुझे अच्छा है। और हम यही कहना चाहते हैं, दीदी आ गई थी मेरी इसीलिए मैं बंद कर दी थी कैमरा। तो दोस्तों आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं सुबह से ही तैयार हुई थी लेकिन तो जाना नहीं सोच रही थी, लेकिन मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और मेरे पति मुझे मारें चाहे काटें, मुझे जीने मरने का मेरा कोई मुझे वो नहीं है। अब मैं जा रही हूँ वहीं, और चाहे वो मार डालेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे किसी को भी दे दें, मुझे कुछ भी करें क्या ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पापा के साथ। तो दोस्तों मेरा हक वहीं बनता है क्योंकि घर मैं बनवाई हूँ, पूरा सब कुछ मैं की हूँ, तो मुझे वहाँ कोई रोक नहीं सकता है वहाँ जाने से, वहाँ रहने से। तो मैं अपने ससुराल आज जा रही हूँ दोस्तों। तो यही कहना चाहती हूँ, हमारे मीडिया भाई जितने भी हों, आप लोग मुझसे इंटरव्यू ना लें क्योंकि हम किसी को इंटरव्यू देंगे भी नहीं। कुछ भी हो जाए मुझे, और जो भी कुछ हुआ हम उसको भूल गए। मुझे बस मेरा ज़िंदगी कैसे जीना है, हम अपना ज़िंदगी खुद से जिएंगे। मुझे मेरे पति किसी के साथ काम करें, कुछ भी करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे गर्व है कि हाँ आज सब कुछ हम किए हैं, मुझे इस बात का वो है। लोग कहते हैं ना कि मालती यो बन गई ये बन गई, तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मारेंगे पीटेंगे मुझे दोबारा फिर से, तो उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया मालती अपने ससुराल जाओ अपने ससुराल जाओ। तो ठीक है मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, लेकिन मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब ना ही अपने ससुराल, ना ही अपने मायके, ना ही अपने बहन के घर, सीधे मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो हमारे ससुराल किसी का वो नहीं है कि मेरे ससुराल कोई जा सकता है, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से पता है। तो यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, कुछ भी हो मुझे उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, आपको पता है अच्छी तरह से मेरे पति होंगे क्योंकि हम उन्हीं के लिए जा रहे हैं। और वो मेरे तरफ से एकदम छोटा है, जैसे कह रहे हैं वीडियो में मालती के साथ काम नहीं करेंगे, तो ना करो जी। हम देखिए हमको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप करो मेरे साथ ना करो। हम तो चाहते थे कि हम सोशल मीडिया से हट जाएं, लेकिन तो जो हम सोशल मीडिया से शुरू से ही हो गए तो इस टाइम हटेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम उनको बोल दिए कि तुम अपना देखो, आप हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने घर प्यार से हम अपने घर जो अपना घर हम बनाए हैं उसमें अगर हम प्यार से रहने के लिए पाएंगे तो हमको आपका कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे कौड़ी किसी का नहीं। आप आइएगा घर, खाना बने रहेगा तो खा लीजिएगा, प्यार से चले जाइएगा, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी करो, मेरे तरफ से आप छूट है। मेरा दो चैनल है, एक मालती चौहान फन, एक युवराज फन, मिस्टर युवराज फन, एक मालती चौहान फन, मेरा यही दो चैनल है। इसी पे हम डेली काम करेंगे, मेरा यही, जिसको भी अगर मेरी चाहत होगी तो आप लोग, हम आप लोग को नहीं कहेंगे कि आप लोग मेरा वीडियो देखिए, जिसको भी मुझे देखना होगा तो मेरा यही दो चैनल है, आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा डेली इस पर ब्लॉग वीडियो शॉर्ट वीडियो हमेशा आएगा। तो आप लोग से ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि हाँ मालती चौहान को किसी का ज़रूरत ना पड़े, कभी उसकी ज़िंदगी में कमी का महसूस ना हो कि उसका पति किसी और के साथ काम कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खुश रहो यार, ज़िंदगी मेरी दुआ है आपके साथ कि आप किसी के साथ खुश रहो, मुझे नहीं दिक्कत है।
क्योंकि हमने गलती किया है, इसीलिए आज हमको झुकना पड़ रहा है। जो गलती किया रहता है कोई बात नहीं, भगवान ऊपर वाला सब देखता है, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है ऊपर वाला सब देखता है। हम ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं कि ऊपर वाला क्या करता है क्या नहीं करता है, भगवान की मर्जी है, जिसके दिल में जो रहे वो रहे। लेकिन हमारे दिल में का बा, वो हम बूझा था ही। हम तो भगवान के सब सब पे, हे भगवान निया तू करिया, इंसाफ के देवता तू हवा, हमरो साथे इंसाफ करिया, दुनिया के साथे कैला हमरो साथे करिया। दुनिया भगवान कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो उसको फूटने में समय नहीं लगता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना ज़िंदगी खुद से, मेरा एक बेटा है, हम अपने बेटे के लिए भी वो खर्चा ना दें, हम किसी से कभी और रहन नहीं देंगे कि हाँ हमारे घर हम एक दिन भूखा रह जाएंगे, भूखा सो जाएंगे, हमको वो मंजूर है, लेकिन तो किसी के घर मांग के नहीं खाएंगे। अपने बेटे को अपनी कमाई से पाल ले जाएंगे, क्योंकि माँ से ज़्यादा बाप नहीं। बाप तो बस कितना प्यार करेगा, 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन माई तो अपने भूखा रह जाले, लेकिन तो बेटवा के खिला के सूते ले। तो वह चीज़ हम भूखा रह जब, लेकिन अपने बाबू के कबो भूखा ना सुताए, ओकरे खर्तन दुनिया में भीख मांगे पड़ जाए मांग ले, लेकिन तो अपने पति से कब्बो 1 रुपया ना मांगा। कहे से वो तक कल हमके कब्बो देवे ना कहीं ना 1 रुपया, तब हम उनके साथ ही काम ना करब, तो कहें हमारा कोनो हक ना होला उनसे पैसा मांग ले के। हम अपने चैनल पे काम करी चाहे ना करी, हम उनसे कब्बो पैसा ना मांगा। बाकी हमारा यही सहारा है कि मेरे पास 2 चैनल है, इसी के बदौलत हम कुछ भी कर लेंगे। अगर आप लोग इसको भी नहीं ज़्यादा प्यार दुलार देंगे तो हम किसी के बल पे नहीं कूद पाएंगे। तो जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरा लास्ट तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेरे वीडियो में क्या है आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग से ये छोटी सी विनती है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग प्यारा सा कमेंट करिए। इसके बाद मालती का वीडियो नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा ये तो आप लोग के कमेंट के ऊपर है। आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं तो वीडियो मालती रोज बनाएगी, अगर नहीं करते हैं तो हमारा वीडियो नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, लव यू, बाय बाय दोस्त। तो दोस्तों आप लोग से क्या ही बताएं, आप लोग खुद ही देखे हैं। एक हम लोग भी एक नए यूट्यूबर हैं, देख एकदम से दिल को रोना आ रहा है।